Welcome to Electric Loco Shadow Ludhiana. Today we are showing to you 711 IV scheduler. आज हमें इसकी बुकिंग मिली कि एंगल ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन डिस्टर्ब है। इसका कैलिब्रेशन 2 वीक्स है। हम से कैलिब्रेशन और एंगल ट्रांसमीटर जो लगा है इसके बारे में बता दो। एंगल ट्रांसमीटर लोको के अंदर प्रैक्टिक एफर्ट और बैकिंग एफर्ट अप्लाई करने के कार्य करता है। लोको में ड्राइवर द्वारा ये रिवर्स फॉरवर्ड के स्विच है। आगे चलना है तो हमें फॉरवर्ड की डायरेक्शन में रखेंगे रिवर्सर स्विच। पीछे की तरफ लोको ड्राइव करना है तो पीछे की तरफ रखेंगे, दो रिवर्स की डायरेक्शन पे इसका इंडिकेशन होगा। जीरो पर ये आइडल मोड पे खड़ा रहेगा, फॉरवर्ड में फॉरवर्ड की डायरेक्शन जैसे हमने फॉरवर्ड पे करा है आगे करेंगे। इसका स्मूथ वर्किंग को चेक करेंगे सर पर। ये प्री कंडीशन में बिना स्टैटिक कंडीशन में चलना चाहिए। उसके बाद फॉरवर्ड कंडीशन में देख के इसका ड्राइव चेक करेंगे। ड्राइव बिल्कुल हल्का भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये इसकी फाउंडेशन बोल्ट है जिससे ये एंगल ट्रांसमीटर पूरा इस बॉडी के साथ चिपका हुआ है। इस तरह से ये एंगल ट्रांसमीटर यहां माउंट है। ये इसका 13 पिन का सर्कुलर कपलर और ये 9 पिन का सब डी कनेक्टर। सर्कुलर कपलर से हमारी फॉरवर्ड रिवर्स कमांड 1/3, 2/3 मैक्सिमम ये सब कमांड 13 पिन के कपलर के द्वारा सीपीयू कार्ड्स को जाती है। जो 9 पिन का कपलर है ये एंगल ट्रांसमीटर से कनेक्टेड है। एंगल ट्रांसमीटर का जो एंगल ट्रांसमीटर कनेक्टर है ये एंगल ट्रांसमीटर लगा हुआ है इसका यहाँ पर। इसकी शेड्यूल करते समय देखेंगे कि इसकी कपलर की टाइटनेस देखो, ये लॉक की आवाज आनी चाहिए, ये प्रॉपर लॉक होना चाहिए। सभी कनेक्टर पे चेकअप, ये गुजलर है 2.5 mm का, इससे इसकी इंश्योर करेंगे टाइटनेस। सब भी प्रॉपर टाइट होना चाहिए। कैलिब्रेशन चेक करनी है, सर्वप्रथम हम दोनों कनेक्टर्स को बाहर निकाल देंगे, रिमूव करेंगे थ्रोटल से। गुजलर की सहायता से हम 9 पिन का कपलर को रिमूव करेंगे, इसके एलन स्क्रू को खोलेंगे। ये खुल गया ऐसे ही, ये कपलर को हमने बाहर निकाल दिया। ये हमारा टेस्ट यूनिट है जो एंगल ट्रांसमीटर को चेक करेगा। इससे हम इस कैलिब्रेशन इसकी एंगल ट्रांसमीटर की चेक करते हैं। एंगल ट्रांसमीटर टेस्ट बेंच के साथ ये हमारा थ्रोटल कनेक्ट हो चुका है। अब इसकी रीडिंग हम पहले इसके वोल्टेज को सेट करेंगे। 24 वोल्ट पे ड्राइव है, 24 वोल्ट सेट करेंगे इसका डीसी वोल्टेज के थ्रू। वोल्टेज सेट करने के बाद मुझे जो रीडिंग मिल रही है थ्रोटल जीरो कंडीशन में वो 2.09 के करीब मिल रही है। देखो इस टेस्ट बेंच में हमें एंगल ट्रांसमीटर के जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं उनके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की सारी जानकारी मिल जाती है। अगर कोई भी लूज हो या कुछ माल फंक्शन कर रहा है तो यहाँ पर ही हमें पकड़ में कर लिए। जैसे हमने थ्रोटल के फॉरवर्ड के डायरेक्शन में दे रखा है तो हमारी फॉरवर्ड की दोनों LED ग्लो कर रही है। जब हम इसको रिवर्स में सेंटर में करेंगे तो दोनों LED बंद हो जाएंगी, LED जल रही है। ऐसे रिवर्स करेंगे तो रिवर्स की दोनों LED जलने लग जाएंगी। अब हमने इसकी रीडिंग इसके अकॉर्डिंग देखनी है। 2.09 ये 1.75 से 2.25 तक की रीडिंग के बीच में रहना चाहिए जो इस वक्त अपनी सही कंडीशन में रीडिंग दिखा रहा है। अब हम टी साइड में इसको अप्लाई करेंगे। जब 6 नंबर की LED देखो टी साइड में जलेगा तो इस 6 नंबर की LED जल गई। अब इसकी रीडिंग हम नोट करेंगे, पेपर में नोट करो। उससे आगे चलेंगे
अब हमारी 2/3 की रीडिंग आएगी जब 8 नंबर एलईडी जलेगी, तब 1/3 की रीडिंग। ये 1/3 की रीडिंग आ गई हमारी, 8 नंबर एलईडी हमारी 1/3 की पोजीशन को शो करती है, 8.79 मिली एम्पियर्स दिखा रहा है। आगे हम बढ़ेंगे, हमें 2/3 की रीडिंग 9 नंबर एलईडी जब ग्लो करेगी तब आएगी। ये आ चुकी है 15.04 मिली एम्पियर, को पूरा मैक्सिमम लेवल पर छोड़ देंगे, जो रीडिंग प्राप्त होगी वो हम इसमें लिख लेंगे। इसी प्रकार अब हमने अभी टी का रीडिंग लिया था, उसी प्रकार हम बी साइड का रीडिंग लेंगे। जब बी में हम अप्लाई करेंगे तो 7 नंबर एलईडी ग्लो करेगी, उसकी रीडिंग हम यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद 1/3 की रीडिंग लेंगे बी साइड में ही, देन 2/3 की रीडिंग लेंगे, उसके बाद मैक्सिमम की रीडिंग ले लेंगे। ये रीडिंग लेने के बाद हमारे पास एक स्पेसिफिक रीडिंग्स का पैरामीटर है, उस पैरामीटर के साथ हम इस रीडिंग को चेस करेंगे जो हमारे सेक्शन में रखा हुआ है और हर एक स्टाफ को व्हाट्सएप पे दिया हुआ है। स्टाफ इस रीडिंग को उस पैरामीटर के साथ मैच करता है, अगर सही होती है तो इसको अलाउड करता है, अगर सही नहीं होता है तो इसको फिर खोल के ले जाके ओवरहॉल्ड करता है। ये टेक्निकल डाटा है जो 3-phase मास्टर कंट्रोलर का जो कैलिब्रेशन लेते हैं उसका डाटा, जो अभी रीडिंग ली गई उस इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम उसको फाइनल चेक करेंगे, उसके बाद हम थ्रॉटल को फिट देंगे।